हेडलाइंस डेली HD न्यूज। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से जन्म जन्मांतर के विकार नष्ट होकर प्राणी मात्र का अलौकिक व आध्यात्मिक विकास होता है। जहां अन्य युगों में धर्म लाभ एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए कड़े प्रयास करने पड़ते हैं, कलयुग में कथा सुनने मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। सोया हुआ ज्ञान वैराग्य कथा श्रवण से जागृत हो जाता है। कथा कल्प वृक्ष के समान है जिससे सभी इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। कलयुग में भागवत साक्षात श्रीहरि का रूप है। पवन हृदय से इसका स्मरण मात्र करने पर करोड़ों पुण्यों का फल प्राप्त हो जाता है। इस कथा को सुनने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं और दुर्लभ मानव प्राणी को ही इस कथा का श्रवण लाभ प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही प्राणी मात्र का कल्याण संभव है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समाज सेवी युवा नेतृत्वकर्ता सचिन चौहान की अगुवाई में वार्ड 85 के सचिन टावर ऋषि पैलेस कॉलोनी पर ख्यात भजन गायक भागवत मर्मज्ञ कथावाचक पंडित श्री गन्नू महाराज के मुखारविंद से 23 से 29 मई तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा के 6 दिन कथावाचक पंडित श्री गन्नू महाराज ने श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह के प्रसंग की कथा सुनाई। इस दौरान विवाह प्रसंग के सुमधुर भजनों पर श्रोता जमकर झूम उठे। मुख्य यजमान चौहान परिवार में श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग के दौरान सभी रस्मों को पूरा किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित श्रोताओं ने विवाह प्रसंग का साक्षी बनकर जोरदार जयकारों के साथ संपूर्ण कथास्थल को गुंजायमान कर दिया। आरती के पश्चात कथा को विराम दिया गया। आयोजक सचिन चौहान ने बताया कि 29 तारीख को सुदामा चरित्र की कथा के बाद श्रीमद् भागवत कथा का समापन होगा। कथा समापन दिवस पर शिवलिंग का विचरण किया जाएगा। धर्मेंद्र साहू ने बताया कि 30 तारीख को श्याम भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें भजन गायिका अनुष्का अधिष्ठा एवं भजन गायक सुमित मधुराज रात्रि 8 बजे से सचिन टावर ऋषि पैलेस कॉलोनी पर सुमधुर भजनों की प्रस्तुति देकर माहौल को श्याममय बनाएंगे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए सचिन चौहान ने कहा कि मेरा वार्ड मेरा परिवार के उद्देश्य से सभी आयोजन किए जा रहे हैं। धार्मिक आयोजन करना सनातन धर्म में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का कर्तव्य है। आगामी समय में शिव महापुराण कथा के साथ ही वार्ड के लोगों को मथुरा वृंदावन गोकुल की यात्रा पर भी ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस वार्ड को शहर का सबसे खूबसूरत वार्ड बनाना मेरा संकल्प है। Shut up.
चरणारविंदेशमलद्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे कामाशु हो प्राणियो मे सर्वाना हो विश्व का कल्याण हो सत्य सनातन धर्म की जय हो भक्तूर भगवान की जय हो वृंदावन बिहारीलाल की जय हो श्री महापुराण की जय हो जय जय शांति रखो। अयोध्या में धर्म के काम तो होना चाहिए। हो सकता है कि धर्म का नाम लेने वाले आयोजन करना बंद कर दिए तो हम जैसे विपक्षी कांग्रेसी को जिनको कहा जाता है कि ये हिंदुत्व और हिंदू धर्म सनातन धर्म से दूर रहते हैं, तो मैं तो हिंदू हूँ, सर्वप्रथम मैं सनातिक धर्म का मानता हूँ। तो मेरा एक उद्देश्य रहा और मेरा एक विचार है कि हर एक प्रत्येक हिंदू को सबसे पहले अपना सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए इस प्रकार के आयोजन करते रहना चाहिए। दो साल कोविड के रहे, आध्यात्मिक आयोजनों से लोगों ने दूरी बनाकर रखी और दो साल बाद इतना भव्य आयोजन क्षेत्र में हो रहा है। हम देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में महिलाएं एकत्रित हुई हैं, कैसा लग रहा है? दीदी बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी माता बहने मुझे आशीर्वाद रूपी इस कथा में पधार रही है। रोज दिन प्रतिदिन पांडाल बढ़ते जा रहा है, मेरी माता बहनों में इतना उत्साह है, इतना जुनून है कि 3 बजे भागवत कथा प्रारंभ होती है 1 बजे ही घर से आ जाते पांडाल में। क्या लगता है भागवत का ये सफर आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। इन लोगों का आशीर्वाद रहा तो अगली आने वाले विगत महीनों में शिवपुराण बिठाऊंगा। एक बार इनसे वादा कर रखा है कि सबको मथुरा वृंदावन गोकुल की 3 दिवसीय यात्रा कराऊंगा, ये मैंने इन लोगों से वादा कर रखा। आमतौर पर माना जाता है कि जब चुनाव आते हैं तभी इस प्रकार की सचिन चौहान के वादे जीवन में जब भी करे हैं इन लोगों से सच्चे हुए, क्योंकि मैं तो इनके घर का हूँ, मेरा निवास स्थल यही है। मुझे बचपने से आज इस आयु तक इन्होंने देखा है, बढ़ते भी देखा है, गिरते भी देखा, उड़ते भी देखा है। तो घर में एक माता बहनों से एक भाई या एक बेटा झूठ नहीं बोल पाएगा। आमतौर पर संकल्प के तहत भागवत होती है, क्या कोई संकल्प सचिन चौहान ने उठाया भागवत? बिल्कुल संकल्प है, संकल्प यही है कि मेरा वार्ड, मेरा परिवार, इस वार्ड को मुझे इतना खूबसूरत बनाना है, इतना खूबसूरत बनाना है कि शहर से लोग इस वार्ड को देखने आए।